हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉक विद शिवी चैनल। आज हम आपके लिए ऊंट और सियार की एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में ऊंट और सियार रहते थे। वे दोनों दोस्त थे। एक बार ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने छककर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझ गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा, जहां उसने ऊंट को खड़ा पाया। किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा। ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट कराते हुए खेत से बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। उससे ऊंट ने पूछा, तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे? मित्र, खाने के बाद अगर मैं हुआ हुआ की आवाज न निकालूं तो मेरा खाना नहीं पचता, सियार ने उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। सियार मन ही मन बहुत खुश था कि ऊंट की पिटाई हुई। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर के मारे चीखा, ये क्या कर रहे हो मित्र? मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है, ऊंट ने उत्तर दिया। सियार समझ गया कि ऊंट ने उसके किए का बदला चुकाया है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया और पूरे रास्ते डरा सहमा सा रहा। उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी ऊंट के साथ चालाकी नहीं की। कहानी की सीख, जैसे को तैसा। सो फ्रेंड्स, ये थी ऊंट और सियार की कहानी। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।